हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस हस्ती फोटोग्राफी। और आज का सब्जेक्ट है कैंडिड फोटोग्राफी। कि कैंडिड फोटोग्राफी क्या होता है और किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले मैं कैंडिड फोटोग्राफी के बारे में बात करूंगा कि एक्चुअल में कैंडिड फोटोग्राफी या कैंडिड वर्ड का मतलब क्या होता है, और बाद में हम बात करेंगे कि किस तरीके से कैंडिड शॉट्स क्लिक किए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैंडिड फोटोग्राफी क्या है। कैंडिड का अगर हिंदी में वर्ड अगर ढूंढा जाए तो उसका मतलब क्या होगा। तो लोगों के दिमाग में अपने अपने प्रोस्पेक्टिव्स हैं कि कैंडिड फोटोग्राफी डेप्थ ऑफ फील्ड वाले शॉट्स या ब्लर शॉट्स, जिनका बैकग्राउंड ब्लर होता है, वो कैंडिड शॉट्स में आते हैं। कुछ बिगनर्स फोटोग्राफर्स के साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रो लेवल के हैं तो उन्हें पता ही है। तो बेसिकली जो कैंडिड फोटोग्राफी करते हैं या करना चाहते हैं तो उनको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअल में कैंडिड होता क्या है, कैंडिड का मतलब क्या होता है। अगर आप उस कैंडिड वर्ड का हिंदी में मतलब समझ गए या कैंडिड शब्द ही समझ गए तो आपको काम करने में आसानी होगी। तो मैं आपको बता दूँ, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी। स्पष्टवादी समझ गए, साफ सुथरा, निष्पक्ष तरीके से कोई कार्य जैसे किया जाता है उसे हम कहते हैं, या कहते हैं यार वो आदमी बहुत स्पष्टवादी है, साफ और खरी बात करता है। तो स्पष्टवादी होना कैंडिड कहलाता है। अगर मीनिंग वही एक टर्म जो है फोटोग्राफी में आ गया कैंडिड वर्ड का, कि जो स्पष्टवादी बातें हैं या स्पष्टवादी चीज़ है जैसी हमें दिखती है या जो माहौल में हो रहा है उस चीज़ को दर्शाना कैंडिड कहलाता है। ये तो हो गई कैंडिड की बात। अब फोटोग्राफी में अगर आ जाते हैं तो जैसे कि मोमेंट हम कोई कैप्चर करते हैं, जैसे मोस्टली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स कुछ भी कैप्चर करते हैं, शिकार या हंटिंग या बर्डिंग के, तो वो एक कैंडिड मोमेंट है कि एक बर्ड है वो उड़ी, तो उसका एक कैंडिड मोमेंट है। कोई शिकारी शिकार कर रहा है, कोई जानवर शिकार कर रहा है, तो वो उसका कैंडिड मोमेंट है क्योंकि वो स्पष्ट है, वो काम वो कर रहा है, उसे नहीं पता कि उसकी फ़ोटोज़ खींच रही, इट मीन्स वो कैंडिड है। कैंडिड फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस की जाती है आपकी स्ट्रीट फोटोग्राफी में। जो स्ट्रीट फोटोग्राफर्स हैं वो मोस्टली कैंडिड शॉट्स ही क्लिक करके करते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। जैसे मार्केट की कैंडिड शॉट्स हैं या स्ट्रीट में जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं कि ये शॉट बहुत अच्छा हो सकता है, ये बहुत अच्छा हो सकता है, तो मोस्टली स्ट्रीट में कैंडिड इंट्रोड्यूस हुआ पहले शुरुआत में। लेकिन कैंडिड फोटोग्राफी आज की डेट में अगर कहा जाए तो वेडिंग सेक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा तरीके से इन्वॉल्व हो गई है। कभी आज आप अगर किसी क्लाइंट के पास अपने काम के लिए जाते हैं या आपके पास रिक्वायरमेंट आती है, उनको कहना कि भाई हमें कैंडिड फोटोग्राफी चाहिए, तो बेसिकली कैंडिड फोटोग्राफी ये हो गई कि आज की डेट में कैंडिड की मार्केट में डिमांड है, चाहे वेडिंग सेक्टर हो, स्ट्रीट जो करते हैं वो करते हैं। तो अब आ जाते हैं हम कैंडिड वेडिंग्स पे। तो कैंडिड वेडिंग में आने के बाद हुआ क्या कि कैंडिड दो तरीके से बट गई। तो कैंडिड फोटोग्राफी एक हो गई, और कैंडिड फोटोग्राफी के अंदर अगर बात करें तो कैंडिड फोटोग्राफी दो तरीके से अब होने लगी। पहले सिंपल एक कैंडिड फोटोग्राफी थी जिसे हम जर्नलिस्टिक अप्रोच कहते थे, जहाँ पर जर्नलिज्म अप्रोच होता, जैसे जर्नलिज्म की इमेजेस होती हैं वहाँ पर कोई मैनिपुलेशन नहीं, जैसा है वैसा, तो वो जर्नलिज्म अप्रोच एक हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में ऐसा हो गया, उसमें एक सब्जेक्ट या एक जॉनर और ऐड कर दिया गया जिसे हम कहते हैं डायरेक्टोरियल अप्रोच, जिसे हम डायरेक्ट करते हैं कि ये शॉट इस तरीके से लेना है या ये शॉट इस तरीके से। जैसे हम प्री वेडिंग शॉट्स क्लिक करते हैं तो हम कपल्स को ब्रीफ करते हैं कि भाई ये आपको यहाँ पर पोजिशन लेनी है, आपको इस तरफ देखना है या ऐसे देखना है, तो हम उसे डायरेक्ट करते हैं कि हाँ उनको पता होता है कि मेरी तस्वीर खींचने वाली ये हमें बताया गया है, हमें इस तरीके से ये चीज़ करनी है। तो ये हो जाती है आपकी डायरेक्टोरियल अप्रोच। जर्नलिस्टिक अप्रोच में जैसा हो रहा है उनको खुद नहीं पता कि मेरी तस्वीर खींच रही है या नहीं खींच रही है, जैसा मैंने स्पष्टवादी वर्ड इस्तेमाल किया था, ये एक स्पष्ट बात हो गई कि कुछ भी माहौल में हो रहा है आपने वो तस्वीरें क्लिक की, जैसे वेडिंग्स में लोग करते हैं। तो ये हो गई दो तरीके की कैंडिड फोटोग्राफी। तो पहला तो कैंडिड हो गया अनप्लान्ड शॉट, जिन्हें डिसाइड नहीं किया गया है और रैंडम हमने क्लिक किए हैं बिना सब्जेक्ट के नॉलेज के, बिना उसकी नॉलेज में नहीं है कि हमने फ़ोटोज़ खींचे हैं, लेकिन उसकी फ़ोटोज़ खींची, मींस ये स्पष्ट है कि हमने तस्वीरें खींची साफ सुथरी, जो भी है, जो सिचुएशन, जो मोमेंट चल रहा था, हमने तस्वीर निकाली, कैंडिड फोटोग्राफी हो गई। अब कैंडिड फोटोग्राफी में दो जॉनर मैंने कहा, एक जर्नलिस्टिक अप्रोच और दूसरा डायरेक्टोरियल अप्रोच। तो जर्नलिस्टिक अप्रोच जो पहला कैंडिड होता था वही है,
अनप्लान्ड शॉट, स्पष्टवादी शॉट या निष्पक्ष क्लिक जो होते हैं वो जर्नलिज्म के पार्ट आ जाते हैं या जर्नलिस्टिक अप्रोच रखते हैं जो शॉट, वो हो गया डायरेक्टोरियल अप्रोच जो हम डिज़ाइन करते हैं और क्लिक करते हैं। तो ये हो गया आपका कैंडिड फोटोग्राफी। अब रह जाती है बात कि कैंडिड फोटोग्राफी करें तो किस तरीके से करें, क्या गेयर चूज़ करें, किस तरीके से उसे करना चाहिए, तो मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लंबा सेशन हो जाएगा, तो कैंडिड फोटोग्राफी किस तरीके से करते हैं इसका सेशन मैं अगला रखूँगा। आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा क्योंकि मैं वहाँ पर बताने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से कैंडिड शॉट्स क्लिक करते हैं, क्या गियर रखने चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से एनालिसिस करें कि एक कैंडिडेट शॉट हमें मिल सके। तो इस बात के साथ मैं यहाँ पर विदा लूँगा और नए अध्याय में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।